वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध के कुछ अज़लाम में मरदमशुमारी रोकने के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार सामने आया है। तो वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता हुआ, यह हम टेलीफोनिक राबता था। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह ने सिंध के कुछ अज़लाम में मरदमशुमारी रोकने के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। तफ़सीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद हैं। अशद लगा कीजिए। जी देखिए, मरदमशुमारी के हवाले से वफाकी हुकूमत की आज एक जो है मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के अंदर यह फैसला हुआ था कि उन तमाम तहसीलें जहां पर एक मखसूस हद से ज्यादा जो है वहां पे आबादी जो है गुज़िश्ता मरदमशुमारी के हवाले से उसमें इजाफा हुआ है, तो वहां पर मरदमशुमारी की जो सरगर्मियां हैं उनको रोक दिया जाए। इस हवाले से हुकूमत सिंध की जानिब से शदीद एहतजाज और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल को खत लिखा है और उस खत में उन्होंने इन्हीं तहफुजात का इजहार किया। उनका ये कहना है कि मरदमशुमारी इन तमाम तरह इलाकों के अंदर जहां पे भी एक बेंच मार्किंग जो कि बनाई गई है वफाकी हुकूमत की जाने से, इस तरह की बेंच मार्किंग नहीं होनी चाहिए। जहां पे जितनी लोगों का इजाफा हो रहा है, आबादी बढ़ रही है, उन आबादी को ठीक तरीके से जो है वो गिनना चाहिए। इसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी टेलीफोन किया और उस हवाले से तमाम तर जो भी तहफुजात हैं और वो उनसे भी जो है वज़ीर आज़म को जो है वो आगाह किया है। वज़ीर आज़म ने इसके साथ साथ वज़ीर आज़म सिंध का ये भी कहना है कि तमाम तर इज़ला में सेंसस की सरगर्मियों को जारी रखा जाए और अगर सिंध हुकूमत के तहफुजात को दूर नहीं किया गया तो मरदमशुमारी के नताइज को सिंध हुकूमत किसी भी तौर कबूल नहीं करेगी। जी ठीक है अशद आपका।